हम सब ने कई बार चापाकल से जल निकाला है, लेकिन कभी सोचा है कि उसके हैंडल को अप डाउन करने से जल बाहर कैसे आता है? आइए इसको समझते हैं। देखिए, हैंडपंप में एक सिलेंडर बना होता है और इसी सिलेंडर के अंदर सारा मैकेनिज्म छुपा होता है। इस सिलेंडर के नीचे में लेदर वाल्व होती है और हैंडल से एक पिस्टन जुड़ा होता है। जब हैंडल को नीचे किया जाता है तब पिस्टन ऊपर की ओर जाती है और इस पिस्टन में जो एयर वाल्व होती है वो एयर की वजह से बंद हो जाती है और पिस्टन वाल्व के नीचे वैक्यूम बन जाती है। उस वैक्यूम को भरने के लिए पानी ऊपर आने लगती है, तब ये नीचे वाली लेदर वाल्व खुल जाता है और पानी ऊपर आ जाती है। अब जैसे ही पिस्टन नीचे जाती है तो पिस्टन में लगा एयर वाल्व खुल जाता है, जिससे पानी इस पिस्टन से ऊपर चली जाती है और नीचे वाला लेदर वाल्व बंद हो जाता है पानी के वेट और प्रेशर से, और यही प्रोसेस बार बार चलता है तो पानी बाहर आने लगता है।